वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर जैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई हैं। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, भारत की जानिब से क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है ना जो इस पर पहले तो वीज़े भी जारी नहीं किए गए हैं, यानी खेल से खिलवाड़ भारत की जानिब से जारी है अभी भी? देखिए, भारत अपने औचित दंडों से कभी बाज नहीं आता और अभी इस मरतबा जो है वो मेहमान नवाजी से भी फेल हो चुका है। जबकि आईसीसी वर्ल्ड कप में इस वक्त जो मुकाबले जारी हैं उसमें पाकिस्तानी प्रेजेंटर जो कि पूरी दुनिया में जैनब अब्बास से जाती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, उनको मजबूरन जो है वो भारत छोड़ना पड़ा है और सेफली एग्जिट लिया है उन्होंने। और दराए हमें ये बताते हैं कि आईसीसी भी भारतीय प्रोपेगेंडा के आने में मस्त है, जबकि जैनब अब्बास जो थी वो छोड़कर सेफली एग्जिट लिया उन्होंने और उसके बाद जो है वो दुबई रवाना हो गई। जबकि जैनब अब्बास के खिलाफ भारत में एक वकील ने केस कर रखा था और ये केस जो है वो रिसेंट पास्ट का नहीं था बल्कि 8 साल का था। गुज़श्ता 8 साल पहले जो है वो जैनब की ट्वीट को इन्होंने जो है वो बनाकर और बकाया तौर पर साइबर क्राइम में केस किया। फिर उसके बाद भारतीय जो ये वकील हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी ये दरख्वास्त दी थी कि FIR दर्ज की जाए। इसका प्रेशर जो है काफी प्रेशर था सिक्योरिटी थ्रेट से जैनब के ऊपर और इसी वजह से जैनब अब्बास जो है वो वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई रवाना हुई है। जबकि जराए बताते हैं कि अभी जो है वो ICC भी ब्रॉडकास्टर्स भी बिल्कुल बेबस दिखाई दिए तमाम तर सूरत हाल के आगे और जैनब ने जो है वो जो भारतीय वकील दावा करते हैं वो ये था कि जैनब ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ ट्वीट किए, जबकि जैनब अब्बास ने 8 साल कबल भारत और भारतीय मजहब के खिलाफ ट्वीट किए थे, ये भारतीय वकील का कहना है। जबकि जैनब अब्बास से मुतद्दिद जो है वो इंटरनेशनल सीरीज और इवेंट्स में बतौर प्रेजेंटर काम करती रही हैं और मुतद्दिद जो ब्रॉडकास्टर थे उनके साथ भी काम करती रही हैं। पाकिस्तान की जो सुपर लीग हो या पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल सीरीज हो, भारत में हो या कहीं भी दूसरे ममालिक में इंटरनेशनल सीरीज हो, तो जैनब अब्बास आपको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके दिखाई देती हैं। लेकिन ये ट्वीट्स को मुद्दा बनाया गया और 8 साल जो कबल जो मुर्दे थे उनको फाड़ा गया और उसके बाद ट्वीट्स को बनाकर ये तमाम तर जो कहानी है मनगढ़ंत कहानी उनको घड़ी गई। बहुत शुक्रिया आपका कादिर ख्वाजा।